हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि हमारे एक व्यूवर्स ने हमें कमेंट किया था जिनका नाम संजय कुमार है। उन्होंने 2-3 बार कमेंट किया कि सर आर्टिकल्स पर अलग से वीडियो बनाइए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सो आज मैं पूरा आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा और आर्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, हम आर्टिकल्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं, हम कई सारे एग्जांपल के साथ और कई सारे रूल्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, पूरी तरह से आप इसको नोट करें, समझें, तो आई थिंक आज के बाद आपको आर्टिकल्स पर डाउट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं इस वीडियो में ए और एन आर्टिकल के बारे में पूरा कवर करूंगा और अगली वीडियो में मैं द के बारे में कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं। क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको करीब लगभग जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे आपको पता हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को यारों को शेयर करना मत भूलिएगा, इसको बिल्कुल फैला दीजिए, चारों तरफ शेयर कर दीजिए सभी को जो भी आपके कांटेक्ट में है और इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का मीनिंग होता है उपपद, ठीक है, जो शब्द किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स कहलाते हैं। वाक्यों में आर्टिकल्स का प्रयोग भाषा को सशक्त यानी मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हम आर्टिकल्स यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी बोलचाल को, अपनी भाषा को, अपने वाक्य को हम ज़्यादा प्रभावशाली, इम्प्रेसिव बनाते हैं, ठीक है। और जो मॉडर्न ग्रामर है, आज की जो हमारी ग्रामर है, उसमें आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। आप बड़ी क्लास में पढ़े होंगे जो लोग, ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th में देखे होंगे कि डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है। दूसरी बात आती है कि आर्टिकल्स का हम प्रयोग क्यों करें, सेंटेंस में क्यों करें। आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हैं, इन पर थोड़ा आप गौर करें। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि वह एक लड़का है, मैं एक शिक्षक हूँ, यह वही आदमी है, मैंने उसी लड़के को बुलाया, तो ये आप जो हिंदी में एक, वही, उसी, आप क्यों बोलते हैं? इसको बोलने से क्या होता है, हमारा सेंटेंस ज़्यादा प्रभावशाली होता है और हम सेंटेंस में एक किसी व्यक्ति पर दबाव देते हैं या जोर देते हैं, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये वही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाक्य हमारा प्रभावशाली होता है और अर्थपूर्ण बन जाता है, ठीक है। यदि आप खुद देखें, यदि आप इस वाक्यों में यदि आप वही या उसी ये शब्द प्रयोग ना करें, तो आपका शब्द जो है, आपका जो वाक्य है, उतना प्रभावशाली, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, अपनी जानकारी देने में उतना सक्षम नहीं होगा, ठीक है। आप हिंदी बोलते हैं और हिंदी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने हिंदी का एग्जाम्पल लिया ताकि आप समझ पाएँ कि ये शब्द हम हिंदी में प्रयोग क्यों करते हैं, और यही वजह है कि हम इंग्लिश में भी आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जो महत्व यहाँ पर इन शब्दों का है, वही महत्व आर्टिकल्स का होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में ए एन द का वही महत्व होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी वही है, ताकि भाषा और वाक्य का जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो समझ में आ जाए। और ये बात करते हैं कि आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, दो इसके टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित उपपद, जिसके अंतर्गत ए एन को रखा गया है, ठीक है, ए एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। फिर सेकंड टाइप है डेफिनिट आर्टिकल्स, यानी निश्चित उपपद, जिसमें द आता है, ठीक है, यानी हमारे आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, ए एन द, ठीक है। द को कभी दी पढ़ते हैं और द पढ़ते हैं, ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको केवल ए एन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ए एन आर्टिकल्स के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि यदि हम द को भी लेते हैं तो बहुत सारा हो जाता है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसमें केवल हम ए एन के बारे में कई सारी चीज़ें कवर करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, और कई सारे रूल्स को समझेंगे।
हम द को अलग से अलग वीडियो में समझेंगे। आप कमेंट करके करिएगा, ठीक है, बताइएगा कि आपकी ये जो वीडियो है नेक्स्ट वो कब आनी चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा लगा आपको ये जो ए एन का यूज है, कितना आपको अच्छा लगा, कितना समझ में आया, और द को हमें कितना जल्दी जो है अपलोड करना चाहिए। हालांकि मैं उसको बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम द को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट और ए एन आर्टिकल्स को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के पूर्व यानी पहले किया जाता है। इसी कारण ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि अनिश्चित सिंगुलर नाउन के पहले इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता, हम पहली बार उस आदमी के उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और कंडीशन क्या है कि वो जो नाउन है, संज्ञा है, वो एक वचन होनी चाहिए, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। जैसे बुक, बॉय, गर्ल, पेन, ठीक है, हाउस, एनीथिंग, जो भी काउंटेबल होगा और एक वचन में होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने आगे इस बात का जिक्र किया है, सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी से, बहुत ही आसान शब्दों में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आइए समझते हैं कि ए और एन में से हम इनका अलग अलग प्रयोग कब कहाँ करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन, यानी कोई भी शब्द जिसके पहले आप ए एन का प्रयोग करते हैं, उस शब्द के पहले अक्षर को देखा जाता है। पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है, उसका उच्चारण क्या होता है, उस शब्द की शुरुआत वावल से हुई है या कॉन्सनेंट से, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। महत्व रखता है कि उसका स्टार्टिंग का पहला जो उच्चारण है वो किस अक्षर से हो रहा है। हमारे हिंदी में व्यंजन या स्वर से हो रहा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यदि उसका उच्चारण वावल यानी स्वर से शुरू हो रहा है, आ ई ए से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर थ्री में देखिए, ए ई आई ओ यू, इनको हम इंग्लिश में वावल्स मानते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, साउंड के पहले, देखिए लेटर से मतलब नहीं है, साउंड आना चाहिए उसका। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं, और जो वावल साउंड देते हैं आ ई ए, उनके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, एन का, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा हम जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ये आपकी बहुत लंबी ना हो, क्योंकि कई सारे रूल्स हैं जिनको आपको समझना है। ये आप वीडियो को पॉज करके रोक कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है थोड़ा सा नॉलेज वाली बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना, ठीक है। जरूरी बात ये है, जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है एम ए, एम ए जो एम है उसको हम पढ़ते क्या है, ए एम, इसका पहला अक्षर ए है, इसलिए इनके पहले ए का प्रयोग होगा, सॉरी एन का प्रयोग होगा वावल्स का, ठीक है ना। ए इसकी जो शुरुआत है ए से हुई है, जो कि हमारे हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। और जो यूनिवर्सिटी वर्ड है, यूनिवर्सिटी, इसकी स्टार्टिंग यू से हो रही है, जो कि एक वावल है, लेकिन उच्चारण इसका यू हो रहा है, अपने हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में आता है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और एम ए के पहले एन का यूज करेंगे। आइए और चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में मैंने लिया है आपको, आई थिंक इसको पूरा ये आप समझ लेते हैं, पूरा देख लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको कभी डाउट होगा ही नहीं, ए एन के यूज में कभी डाउट नहीं होगा। कुछ मैंने एडवांस रूल भी दिया है आपको नीचे, आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए जो मैं बात कर चुका हूँ कि यदि किसी शब्द का पहला उच्चारण उसके अगर हमारी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में आ रहा है, जैसे बॉय का ब आ रहा है, ब, इसलिए ए लगा हुआ है अ बॉय, आर एन डियर, आर एन डियर, क्योंकि र आ रहा है, अ वूमेन, व आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, अ यार्ड, इसका पहला अक्षर य आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, अ हॉर्स, हॉर्स, हा, पहला अक्षर क्या है, हा है, जो कि व्यंजन है, इसलिए हम इन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ए एन का बेसिकली मतलब एक होता है, ठीक है, याद रखें,
ए और एन का मतलब एक होता है, जैसे वन, वन मीन्स एक, अ बॉय एक लड़का, अ वूमेन एक औरत, अ हॉर्स ठीक है एक घोड़ा। चलिए अब आगे देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई शब्द वावल से शुरू होता है, जैसे यहाँ देखिए यूरोपियन यूनियन यूनियन यूनिक पर्सन अ यूनाइटेड एक्शन एन सॉरी अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूजेज यूजफुल, ऑलमोस्ट इन सभी वर्ड्स की शुरुआत वावल से हुई है यू से, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो या से हो रहा है, या जो कि व्यंजन है इसलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे आ यूज करेंगे आ ए ठीक है ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक ठीक है, क्योंकि कुछ बातों को मैं बार बार रिपीट कर दिया हूँ ताकि वो बातें आपको बिल्कुल याद हो जाएं, आपके माइंड में सेट हो जाए ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिन पे आपको कन्फ्यूजन होता है ठीक है। इन वर्ड्स को मैंने इसीलिए लिखा है इतने सारे एग्जांपल्स ताकि आप एग्जांपल करेंगे तभी आपके दिमाग को जो भी डाउट है वो पूरी तरह से दूर होगा ठीक है। रूल बस पढ़ने से नहीं होता, जब आप एग्जांपल करोगे ठीक है तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर जो है स्पष्टता आएगी इनके बारे में। जैसे कभी लिखा रहता है वन आइड मैन एक आँख का आदमी, अ वन रुपी नोट, अ वन साइडेड डिसीजन है ना, वन साइडेड गेम, तो इसमें बच्चों को लगता है कि इसकी स्टार्टिंग वावल से हो रही है ओ से हो रही है, लेकिन आपको इसके उच्चारण पर ध्यान देना है व वन व है जो कि एक व्यंजन है, हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है इसलिए हम इनके पहले ए का प्रयोग करेंगे ए ए वन आइड मैन ओके। तो ये सारे एग्जांपल आपको देख लेना है समझ लेना है ठीक है। आइए हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कोई, ये थोड़ा सा कुछ एडवांस रूल समझना है आपको। देयर वॉज अ किंग कोई एक राजा था, ऐसा हम बोलते हैं ना, कोई एक व्यक्ति था कोई एक नदी थी, तो आप इस कोई के अर्थ के लिए ए का प्रयोग कर सकते हैं। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ रिवर एक नदी थी, कोई एक नदी थी या कोई एक नदी है, देयर इज अ रिवर कोई एक नदी है या कोई एक नदी है, तो इस तरह से इस सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट है जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए किसी जाति को, जैसे मैंने कहा अ पीकॉक इज अ बर्ड, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक मोर एक पक्षी होता है, ये ज़्यादा परफेक्ट इसका मीनिंग नहीं होगा, इसका मतलब होगा हम मोर जात की बात कर रहे हैं, मोर पक्षी होते हैं, जो भी मोर जात के पक्षी हैं बर्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं, पूरे जाति की वो सभी पक्षी होते हैं, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना है यदि आप इंग्लिश को थोड़ा सा समझना चाहते हैं एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं। अ चाइल्ड नीड्स लव, अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक बच्चे को प्यार की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा मतलब ये होगा कि बच्चों को प्यार की आवश्यकता होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बच्चों के ग्रुप को बोल रहे हैं ना, उनको संबोधन कर रहे हैं, एक बच्चे जो सभी बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को अ चाइल्ड, यानी किसी भी बच्चे को हम ठीक है उनके जाति को बोध कर रहे हैं, तो कई बार ये सेंस होता है और आप समझते हैं कि आर्टिकल का ए का प्रयोग क्यों किया गया है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये रूल्स होते हैं, इनको आप नोट कर लें। और हाँ, इसका यदि आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लें, तो इसका मैं PDF वहाँ पर। आइए अगले रूल को समझते हैं। अगला रूल है नंबर 6, विथ सर्टेन नंबर्स, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं ठीक है जिनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे 100, 1000, 1,000,000, अ लॉट ऑफ, अ कपल, अ ग्रेट ठीक है, अ ग्रेट, अ डजन, इनके पहले हम वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, 100, 1,000,000, 1,000, तो दोनों का सेंस एक ही होता है एक, दोनों का अर्थ है एक, इस बात को भी ध्यान रखें ठीक है। इसके बाद कई बार ये होता है कि हमें बोलना होता है ना 1/3, 1/4, 1/5, तो हम प्रायः इनके पहले ए का प्रयोग करते हैं है ना, अ थर्ड, अ क्वार्टर ठीक है, इस तरह से कहते हैं और वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों तरह से लिखा जाता है, इनको आप ऐसे नोट कर लें समझ लें। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो हम ए लगा सकते हैं, जैसे लेट्स हैव अ स्मोक, तो चलिए स्मोकिंग करते हैं, मतलब
धूम्रपान करते हैं। तो एक्चुअल में धूम्र जो है, धुआं जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर एक इस क्रिया को एक काउंटेबल की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेट्स हैव अ स्मोक, आइए एक बार ना स्मोक करते हैं, तो ये ऐसा भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ कॉन्सेप्ट एडवांस होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार जब आप देखेंगे कि इस सामान का जो वज़न है, कई बार इस तरह से लिखा रहता है, जैसे 1.5 किलोज है, तो आप क्या बोलोगे, 1.5 किलो, अ किलो और अ हाफ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 किलो, तो आपने यहाँ पर ए का प्रयोग किया। ठीक है, अ किलो एंड अ हाफ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 0.5 kg, आप कहेंगे हाफ अ किलो, यानी एक किलो का आधा, हाफ अ किलो, पहले हाफ बोलेंगे, फिर हाफ के बाद लगाएंगे ए को, फिर लगाएंगे जो भी किलो है, ग्राम है। तो ये तरीका होता है ए का यूज़ करने का। ठीक है, और कुछ इस तरह भी अपन बोल सकते हैं, अ हाफ हॉलीडे, ठीक है, आधे दिन की छुट्टी, अ हाफ पोर्शन, आधा हिस्सा, अ हाफ शेयर, आधा भाग। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं तो आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें, अ क्वार्टर टू फोर, अ क्वार्टर पास्ट एट, इस तरह से भी चलता है जब हम टाइम की बात करते हैं, समय की बात करते हैं। नेक्स्ट है, जब कई बार आप मिस्टर, मिसेज, मिस या सरनेम बोलते हैं, पांडे, तिवारी जी, ये वो, एक्चुअल नाम नहीं लेते, तो नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग नहीं होता, ना तो ए और ना ही एन का प्रयोग करते, राम, श्याम, है ना, गीता, सीता। लेकिन कई बार सरनेम होता है या मिस्टर, मिसेस के पहले आप ए लगा सकते हैं, अब मिस्टर वर्मा सॉ मी यस्टरडे, एक कोई मिस्टर वर्मा मुझे कल दिखे, है ना, देखे। अब मिस्टर पांडे इज कॉलिंग यू, एक मिस्टर पांडे है कोई जो आपको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बट उनका नाम नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली ये उनका सरनेम कह रहे हैं ना, जैसा हम हिंदी में बात करते हैं कि कोई पांडे जी आए हुए हैं, कोई पांडे जी बुला रहे हैं, तो कोई एक ना, तो अब मिस्टर पांडे, ऐसा आप भी इंग्लिश में प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एडवांस जानकारी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रॉपर नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं करते, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कभी कभार कर सकते हैं, उसको देख लीजिए। दिस बुक इज रिटन बाई अ राम, तो राम, श्याम, नाम के पहले हम ए एन का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ बहुत ही खास कंडीशन होती है। ठीक है, जब हम क्या करें कि उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हों, ठीक है, नीचे इसके बारे में बताया गया है, जब राम, श्याम, किसी के बारे में आप बिल्कुल अपरिचित हैं, नहीं जानते हैं, अनजान हैं, तो आप आराम कह सकते हैं कि एक कोई राम है, एक कोई श्याम है, एक कोई मोहन है, जिन्होंने ये बुक लिखा है, तो इसका सेंस इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 है, कि जब आप हैरानी वाले वाक्य प्रयोग करते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रयोग करते हैं, आश्चर्यबोधक वाक्य यूज़ करते हैं, तो उनमें कुछ इस तरह से भी ए का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ प्रेटी गर्ल, ठीक है, कितनी सुंदर लड़की है, अ प्रेटी गर्ल, ठीक है, गर्ल अकाउंटेबल भी है। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी शानदार बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है, काउंटेबल है। तो आपको ध्यान देना है कि अक्सर जो है, मोस्टली 99% जो है, ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। सच अ लॉन्ग क्यू, इतनी लंबी कतार, इतनी लंबी लाइन, सच अ लॉन्ग, अ लॉन्ग, तो इन एक्सप्रेशन में, इन सेंटेंस में इस तरह से ए का प्रयोग भी होता है। देखिए नेक्स्ट है 12th, जब आप बोलना चाहते हैं प्रति किलो या प्रति दर्जन, तो इस तरह से आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलना चाहते हैं 10 paise अ किलो या 10 rupee अ किलो, मतलब इसका होता है कि 10 rupees प्रति किलो। ठीक है, 10 paise अ डजन या 10 rupees अ डजन, मतलब कि 10 rupees प्रति दर्जन, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है प्रति। ठीक है, 4 times अ डे, अ डे, एक दिन में 4 बार, ऐसा 4 times अ डे, एक दिन में 4 बार, तो इस तरह से भी सेंस होता है। ठीक है, और इंग्लिश भाषा में ए का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव से पहले थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा एडवांस है ये,
सो एज टू हाउ क्वाइट के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आया है तो सो लॉन्ग सॉरी सो बिग अ फूल इतना बड़ा मूर्ख, टू हैवी अ पार्सल है ना इतना बड़ा पार्सल, तो इस तरह के सेंटेंस या फ्रेज में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड लिखे गए हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक के आप इनकी स्टडी कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं है ना, क्योंकि इनकी बात करते समय हम इनके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए। कॉन्सेप्ट वही है जो हम बात कर चुके हैं ऊपर, इन सब का वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये देखिए कुछ फ्रेज है, ये एडवांस है थोड़ा सा, ताकि आपकी जानकारी थोड़ा सा एडवांस हो जाए और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से है ना दूर हो सके। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये जो फ्रेज हैं, वाक्यांश हैं, इनमें हमेशा ऐसा प्रयोग किया जाता है, कोई बीमारी के नाम है, कोई ठंड को बता रहे हैं, मौसम को बता रहा है। ठीक है, इस तरह के सब फ्रेज हैं, इनको आप नोट कर लें और इनमें ए का प्रयोग करना अनिवार्य है। ये एक्सप्रेशन, ये वाक्य सेंटेंस, छोटे वाक्य, ये ऐसे ही बोले जाते हैं। ठीक है, इन फ्रेज का, इन वाक्यांश का हम प्रयोग इसी तरह से करते हैं। यदि आप इनसे ए हटा देंगे तो ये अधूरे माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप इनको नोट कर लें, आइए। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम बढ़ते हैं एन की ओर। तो ए का सारा प्रयोग अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे एन का प्रयोग। ठीक है, एन का यूज़ देखेंगे, ये छोटा ही है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, जल्दी हम इस वीडियो को पूरा करने वाले हैं, तीन चार रूल हैं इसको हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट आप सारी जानकारी समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, बस एग्जाम्पल देखना है आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, जिनका प्रथम अक्षर वावल हो या प्रारंभिक उच्चारण में वावल का उच्चारण देते हों। ठीक है, तो उनके पहले क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, बट वावल का आ ई ए का उच्चारण आना चाहिए पहला अक्षर। ठीक है, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला, एन एस, आप देख रहे हैं ना इनके पहले ए आ ई आ रहा है, एन एनिमी, एन ऑरेंज। ठीक है, तो चलिए बहुत बेसिक बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, कहीं कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना जिनका संक्षिप्त फॉर्म होता है, जैसे एमएलए हो गया, एसपी हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, कुछ ये पद हैं, कुछ व्यवसाय के नाम होते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो ए ई ए से शुरू होगा, यानी एक स्वर अक्षर से स्टार्ट होगा, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। एन एम एल ए, एम एम बोलने में ए आता है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ खास नहीं था। अब देखिए थर्ड, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए। जैसे एन एयर, एन ऑनेस्ट, एन आवर, इन शब्दों के पहले एच लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है, इसका उच्चारण हमारे हिंदी वर्णमाला के आ ई से स्टार्ट हो रहा है, छोटा आ ई ऊ, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर फोर है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इनको देख लें, इनको समझ लें। कई बार ये वर्ड आते हैं और आप कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर यहाँ पर एन क्यों प्रयोग किया गया है भाई, तो वजह आपको पता चल गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको आप देख लें और इनका जो उच्चारण है वो बहुत ज़रूरी सीखना है आपको। जैसे कुछ है, जैसे ये एयर है, एन एयर, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी हिंदी में, एयर, जैसे ए आई आर, एयर होता है। एन आवर, कई बार लोग रीडिंग में बहुत गलती करते हैं। ठीक है, ऑनर को बोलेंगे हॉनर, ऑनेस्ट को हॉनेस्ट, ठीक है, आवर को हावर, तो ये सब गलत है। ठीक है, इनका एच साइलेंट है, जितने भी इसमें एच से स्टार्ट हुए हैं इन सभी का एच साइलेंट है। ओके, ऑनरेबल, ऑनर, ऑनेस्ट, ठीक है, हारमोनियम, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ए एन का पूरा प्रयोग कवर हो चुका है कॉन्सेप्ट के साथ। अब ये देखते हैं कि ए एन का प्रयोग आप कहाँ नहीं करते हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप ए एन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे किसी भी प्लूरल नाउन के पूर्व, अगर वो वर्ड, वो शब्द प्लूरल है, बहुवचन में है, तो आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे भले ही वो काउंटेबल हो। ठीक है, जैसे देखिए
प्लूरल ऑफ एन एग इज एग्स, बॉयज, गर्ल्स, नर्सेस, ठीक है, चिल्ड्रेन, इनके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये शब्द सिंगुलर होंगे, एक वचन होंगे, तभी आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड रूल, हो गया प्रॉपर नाउन, जैसे राम, मोहन, रवि, सीता, इनके पहले ए एन का यूज कभी नहीं करते, कुछ कंडीशन मैंने आपको बताया है उनको छोड़ के, एक दो ऐसी कंडीशन है, ऐसे कुछ स्पेशल रूल्स हैं उसके अलावा। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के पूर्व, यदि कोई वो नाउन अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, उसकी गिनती नहीं हो सकती है, जैसे वाटर है, मिल्क है, राइस है, इंफॉर्मेशन है, ब्यूटी है, वाइन है, ठीक है, स्टोन है, पत्थर है, वेदर, मौसम है, ट्रैफिक है, नॉलेज है, ठीक है, लक है, न्यूज़ है, तो इनके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है अनकाउंटेबल माने जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गई। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी कमेंट, अपना सजेशन, अपनी राय भी कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।